स्वागत है पूजा मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ है। बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्टी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल यूपी और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबान के दो आतंकवादी मारे गए हैं। एक सुरक्षा प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों ने एक आवासीय घर में जबरदस्ती घुसपैठ की थी और दो लड़कियों को बंधक भी बनाया था। हालांकि दोनों लड़कियों को आतंकवादियों के चंगुल से निकाल लिया गया और सुरक्षा बलों ने आतंकियों को वहां ढेर कर दिया। दिल्ली के लगभग सभी बड़े अस्पतालों सफदरजंग जीडीपी लोकनायक आरएमएल समेत अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार यानी आज हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान एम्स में हड़ताल नहीं है, लेकिन अन्य अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी और कोरोना वार्ड में ड्यूटी देने से रेजिडेंट डॉक्टरों ने साफ इनकार कर दिया है। योगी सरकार द्वारा नए साल से उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि अब आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि उन्हें घर पर ही बैठे बैठे लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में जहां अब तक 11 राज्यों में फैल चुका है, कोरोना के देश में 87 केस सामने आ चुके हैं। वहीं बात की जाए विदेशों की तो ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 नए केस मिले हैं। तो ये आज के पास बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HN News।